जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारत द्वारा यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पुत्र प्राप्ति से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त होगी और यह आपके जीवन में उपयोगी भी है, आपको इससे लाभ भी मिलेगा जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए कई बातें अति आवश्यक हैं और इनका जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप एक धारणा रखें मन में, कहते हैं कि जैसे हमारा मन हो उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर विकार बनते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो है हार्मोन्स बनते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो होता है मन का विकार होता है। मन के अंदर आपके में एक ही दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि इस बार हमें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। थोड़ा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। इसका भी बड़ा महत्व देखने को मिला है, जो गर्भवती महिला शुरुआत से ही कंसेप्ट के समय से ही अपने मन में एक धारणा रखती है कि इस बार मुझे पुत्र ही होगा, संतान प्राप्ति के लिए ट्राई करते समय भी मन में यही भावना रहती है कि इस बार पुत्र अवश्य होगा, तो उस जिस समय वह रिलेशन बनाते हैं और मियाँ बीवी यानी पति पत्नी दोनों के मन में विचार रहते हैं कि इस बार हमें पुत्र ही होगा, तो अवश्य ही उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और ये काफ़ी हद तक सही निकला है। पुत्र प्राप्ति के लिए कई बातें अति आवश्यक हैं। कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिनके पहले से कन्या हैं, देखो लड़का लड़की माँ बाप के लिए दोनों समान होते हैं और सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग कमेंट करने लग जाते हैं, इसलिए ये चीज़ें सभी जानते हैं, सारे लोग बेवकूफ़ नहीं, सभी जानते हैं कि लड़का लड़की दोनों समान हैं। लेकिन जिनके घर में दो लड़कियां हैं, तीन लड़कियां हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको पुत्र की आवश्यकता है या नहीं है। जिनके पहले से ही पुत्र हैं उन्हें तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके पहले से कन्या हैं और जो कन्याएं बड़ी समझदार हो गई हैं तो वह है भाई के लिए अपने माँ बाप से कहती हैं कि काश हमारा भी कोई एक भाई होता। तो इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि जिनके पहले से कन्या हैं उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो। वंश वृद्धि के लिए भी पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक है। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए भी पुत्र की आवश्यकता है। वैसे लड़का लड़की समान है, कोई भेद नहीं है, माँ बाप के लिए दोनों समान होती हैं। उतना कष्ट बेटे की पोत को माँ को होता है, उतना ही कष्ट बेटी की पोत को भी होता है, यानी समान कष्ट होता है पुत्र पुत्री के समय। लेकिन हर चीज़ की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप जब भी ट्राई करते हैं, कंसीव करते हैं, तो उस समय आपके मन में विचार रहना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए जब भी आप ट्राई कर रहे हैं कि आपके मन में यही विचार हो कि प्रभु इस बार हमें पुत्र की प्राप्ति हो। प्रतिदिन सुबह उठते ही आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और दोनों हाथों को देखते हुए उसके बाद में भगवान कृष्ण की बाल रूप की आप फोटो लगा लें। मूर्ति बेडरूम में नहीं लगाई जाती, आप बचपन की भगवान कृष्ण की एक फ़ोटो लगा लें और प्रतिदिन उसका आपको दर्शन करना है। पहले महीने से लेकर के थर्ड महीने तक आपको बैंगन, आलू और घिया, देखो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सुबह के समय गर्भवती महिला जो कच्चा घिया होता है, लौकी जिसे हम बोलते हैं घिया, उसका अंदर का जो हिस्सा होता है, गुदा जो होता है, थोड़ा सा लेकर के सुबह के समय खाली पेट जरूर खाया करें। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है और पुत्र प्राप्ति के चांसेस बन जाते हैं। वही आप गाय का दूध पीना है, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, प्रतिदिन इसका सेवन करना है और कुछ दिन लगातार ये आप कम से पहले भी खा सकते हैं। गेहूँ जो होते हैं उनको भिगो के रख दें और सुबह उसको पीस करके उसका जो सत निकलता है, उसका जो रस निकलता है, उसका हलवा कुछ दिन आप खाएं। जैसे 15-20 दिन लगातार खा लें आप दूसरे महीने पर, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक केले का नियमित रूप से आपको सेवन करना है गाय के दूध के साथ में। और अब मैं आपको सिस्टम बताऊँगा कि क्या है। देखो, सबसे पहले आप सुबह सो करके उठते हैं, सुबह सो करके उठते हैं तो सबसे पहले अपने चेहरा को देखिए। आपके चेहरा पर
वैसे तो सुबह उठते ही सबके चेहरे पर थकावट होती है, लेकिन एक अजीब सी थकावट होगी आपके चेहरे पर, जैसे बिल्कुल थका सा चेहरा होगा, या आपको चेहरे पर बिल्कुल झाइयाँ सी नज़र आएंगी, और ऐसा महसूस होता है जैसे आप कितना जो है आपको कमजोरी है शरीर के अंदर, वो चेहरे में आपके रौनक बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये पुत्र की निशानी होती है। वही अगर आप सुबह सो करके उठते हो, चेहरे को देखते हो, तो एक खिलावट महसूस होती है चेहरे पर, तो वह लड़की की निशानी होती है। दूसरा जो होता है, सबसे मेन चीज़ होती है कि गर्भवती महिला को नींद नहीं आती। जो पुत्र अगर आपके गर्भ में होगा तो आपको नींद बहुत ही कम आएगी और भूख ज़्यादा लगेगी, आप बार बार कुछ ना कुछ खाओगे, तो ये भी एक निशानी होती है, इससे भी आप अंदाज़ लगा सकते हैं। पुत्र की पोत को टूनी से नीचे गहरी लाइन होती है जो बिल्कुल काली होगी, और टूनी भी जो है आपको बाहर की तरफ निकली हुई होगी, तो यह भी पुत्र की निशानी होती है। वहीं महिला वही करवट लेकर के सोती हैं, उनको इस तरफ सोने में सुकून महसूस होता है, तो वह भी पुत्र की निशानी ही होती है। कई सारी निशानियां होती हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। पहले आपकी लड़की थी तो उससे सिस्टम थोड़े अलग होंगे, चेंजेस नज़र आएगा आपको इस बार। और एक निशानी भी होती है कि पाँचवें या छठे महीने पर, चौथे या पाँचवें महीने पर बच्चा पेट में हलचल करता है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्वप्न संकेत से भी नज़र आते हैं। देखो, अगर आपको इमली या खटाई सपने में नज़र आती है, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पुत्र सुख आपको मिलने वाला है। वही अगर आप आम का वृक्ष देखते हैं और उस पर आम लगे हुए देखते हैं, तब भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए अनुमान लगा सकते हैं। आपको अगर यह महसूस हो सुबह के समय कि आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, या झोली में हम नारियल ले रहे हैं, आम का फल ले रहे हैं, अमरूद ले रहे हैं, तो भी आप पुत्र प्राप्ति का अंदाज लगा सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए नियमित रूप से खान पान, सम तिथि सम दिन का विशेष रूप से विचार ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यह सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जरूर नहीं है कि जो स्वप्न में आपको बता रहा हूँ उस स्वप्न से लड़का ही हो, पूरी तरह सही भी नहीं बैठ सकता है, 90% से बैठेगा, 80% से बैठेगा, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं पहले महीने और दूसरे महीने पर ही आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। खान पीन का विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए जब आप ट्राई कर रहे हो, तो उस दिन सम तिथि सम दिन का, इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।